इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन के माध्यम से अपना अकाउंट कैसे ओपन कराना है। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन से अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रूफ लगता है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा डिजिटल बैंकिंग वाले पर, जैसे कर्सर लेकर आएंगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग। तो इस पर जो कि क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है। कंडीशन आपको दिया गया है, मर्जी करे तो आप पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो कि नो पर टिक कर लेना है और यहाँ आपको जो है टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करिए और एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमर का टाइप आपको सेलेक्ट करना है, जिस प्रकार का आपको खोलना है। तो कुछ समझ में नहीं आए तो आपको प्रोफेशनल जो कि पब्लिक ऑर्डर कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करना है, सिटी आपका कौन सा है बोलो तो अपने जिला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करना है, आपका सिटी कौन सा है, जहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उसके नियरेस्ट कोई सिटी होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसका शॉर्ट नेम लिख कर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। उसके बाद आपको ओके बटन है यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद उस एरिया में आपका जो होम ब्रांच होगा तो आपको यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है बैंक का। तो यहाँ पे जो कि मेरे एरिया का ये जो कि ये होम ब्रांच है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद टाइटल जो कि है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इनका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इनका जो कि फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको मिडिल जो नाम होगा लिखिए, अगर मिडिल नाम नहीं है तो उनका जो कि लास्ट नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैरिड है मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी टाइप करना है, सबसे बेस्ट प्रूफ है आपको यूआईडी, जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर इनका जो कि फादर्स का नाम हो या इनका जो पति का नाम हो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा मदर्स नेम लिखने के लिए, तो जो माँ का नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका हाउस नंबर हो, फ्लैट नंबर हो लिखिए, अन्यथा अपना जो कि पति का ही नाम जो कि आप लिख सकते हैं। बिल्डिंग नेम जिस प्रकार होगा तो लिखिए, लैंडमार्क लिखिए या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें लिख लेना है और एक मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है, जो आपको SMS अलॉट भी होगा या कोई भी सूचना आपको जारी किया जाएगा बैंकिंग संबंधित, उस पर आपको SMS दिया जाएगा। उसके बाद अपना जो कि स्टेट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख लीजिए, एरिया पिन कोड जो होगा उसको लिख लीजिए और यहाँ पे जो कि ऑक्यूपेशनल आपका किस प्रकार का है वो जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेगमेंट कोड आ जाएगा, तो यहाँ पे पब्लिक इंडिविजुअल है, जिस प्रकार आप ऊपर में सेलेक्ट किए होंगे उसी प्रकार का है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल में नॉमिनी में नाम आप किसका देना चाहते हैं उसका नॉमिनी में नाम आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ, इनका जो कि पति का नाम हमको नॉमिनी में देना है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम उनका पति का लिख लेता हूँ और लास्ट नेम उनका पति का लिख लेता हूँ। और यहाँ पे जो कि मेजर संबंध है या माइनर किस प्रकार है, तो मेजर ही रहेगा क्योंकि इनका जो कि उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है जो खुलवा रहा है, और जिससे रिलेशन के तौर पर नॉमिनी में भी इनका जो कि उम्र 18 से ऊपर है तो मेजर रहेगा। अगर माइनर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो जो जिस आदमी का नॉमिनी में आप नाम दे रहे हैं उसका उम्र 18 से कम होगा तो माइनर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशन इनके प्रकार किसका है, इनके जो कि पति जी हैं, तो यहाँ पर मैं पति वाला सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। ये जो कैप्चा दिखाई देता है यहाँ पर भरकर सेव पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तब तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो कि अकाउंट ओपनिंग का जो आपको फॉर्म होगा इसको क्लिक करके देख सकते हैं। यही जो कि आपका रिसीविंग है, इस रिसीविंग को ले जाकर अपना जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेंगे, साथ में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का कॉपी लगाएंगे और आपका जो कि अकाउंट को वहाँ पे वेरीफाई करके KYC कंप्लीट करके आपको जिस प्रकार का सुविधा चाहिए, आज फॉर एग्जांपल चेकबुक चाहिए, ATM चाहिए, तो आपको सारे सुविधा का उसमें एक्टिव करने का प्रोसीजर है, एक साथ में ही सारा काम आप करा सकते हैं। ये जो कि आपका रिसीविंग हो गया, इसको प्रिंट करके ले जाइए अपने बैंक में और वहाँ से जाकर अपने KYC कंप्लीट कराइए और अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। कैसे आपने ऑनलाइन कर दिया जो रिसीविंग निकलता है वो, और फिर से अपने जो कि बैंक ब्रांच में जाकर वहां पे एक फॉर्म को, यानी 2-3 फॉर्म जो होता है उसको फिलअप करना होता है, साथ में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को वहां पे जमा करिए और आपको ऑन टाइम ही वहां से खाता आपको डायरेक्ट KYC करके ओपन कर दिया जाता है। इसमें जब ऑनलाइन आप करके जाते हैं तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है,
बहुत ही जल्द, यानी उसका जो रेफरेंस नंबर एक दिया जाता है उसके माध्यम से आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। और साथ में आप चाहे तो उसी टाइम अपना जो कि एटीएम का भी इशू करा सकते हैं, चेकबुक का भी इशू करा सकते हैं, या आपको जिस लेवल में लगे डबल एटीएम का भी इशू तो आपको वहां पे ऑन टाइम भी आप करा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया। और अभी भी वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उरा शर्मा, फिल्म टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।